दोस्तों आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां भारत के लिए ये सुनिश्चित करना कठिन है कि उसके बुरे वक्त में कौन उसका साथ देगा। इस बढ़ते अनसर्टेन वर्ल्ड में इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलवामा टेररिस्ट अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान के साथ तनाव भारत के लिए एक सीरियस मुद्दा बना हुआ है। वहीं कॉमन बॉर्डर्स पे चाइना अपनी तरफ पावर को हर हाल में असर्ट करना चाहता है, जिसके कारण भारत पे हर वक्त अटैक का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशन और इंडिया के बाकी नेबरिंग कंट्रीज लगातार जियोपॉलिटिकल चेंजेस से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया का ग्लोबल एक्सपोजर इंक्रीज हो रहा है, इसके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी बढ़ने लगे हैं। इस सारे रीजंस भारत से एक कैपेबल डिफेंस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड करते हैं, एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो देश की नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आर्म्ड सर्विसेज सप्लाई कर सके। साथ ही एक अनबीटेबल इंडियन एयरफोर्स भारत की आज सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन डेटा बताता है कि इंडिया इस लक्ष्य को हासिल करने में अभी बहुत दूर है। भारत डिफेंस सप्लाईज के लिए इम्पोर्ट्स पे आज भी हैवली डिपेंडेंट है, बल्कि वर्ल्ड के टॉप डिफेंस इंपोर्टर्स में भारत टॉप 5 में गिना जाता है, जो एक अच्छी खबर नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले दशकों में ओवरऑल इंडिजिनस डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उससे कहीं तेजी से वर्ल्ड में डिफेंस टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है। इस कारण आज भी हम कॉम्पिटिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के लिए इम्पोर्ट्स पर निर्भर करते हैं। साथ ही इंडिया में उन प्रोडक्ट्स का इंडिजनाइजेशन हो रहा है जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीप हो या फिर वो इजिली रिप्लेसेबल हो। वहीं हम कॉम्प्लेक्स और एडवांस एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज फॉरेन कंट्रीज से ही बाई करते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO 9 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और 40 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होने के बावजूद भी भारत कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हैवी लिफ्ट एंड रिकॉग्निशंस प्लेन्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और सबमरीन जैसे मेजर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए फॉरेन सप्लायर्स पे ही डिपेंड रहता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत खुद को आज जिस स्थिति में पाता है वो कोई प्लान डिसीजन नहीं था, बल्कि 1950s की शुरुआत से ही इंडियन लीडर्स ने इंडिजिनस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स से संबंधित एक वीडियो हमने कुछ दिनों पहले बनाई थी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह कुछ पैमानों में भारत अपने काउंटर पार्ट्स चाइना और पाकिस्तान से भी पीछे है। तो ऐसा क्यों है कि भारत को मिलिट्री एयरक्राफ्ट जैसे क्रिटिकल सेक्टर के लिए भी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? क्या भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड करने की क्षमता नहीं है जो एयरफोर्स की क्राइसिस को कम कर सके? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे गहराई से चर्चा करेंगे कि आखिर भारत क्यों अपनी खुद की इंडिजिनस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है या कर पा रहा है, और साथ ही हम उन मेजर्स को भी डिस्कस करेंगे जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में क्या क्या शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है जो इक्विपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स, फील्ड ऑपरेशंस में यूज होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फ्लाइट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी को कवर करता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए डेवलप की जाने वाली टेक्नोलॉजी अन्य इंडस्ट्रीज के मुकाबले ज़्यादा एडवांस होती है। वहीं सेल्फ रिलायंस अचीव करने और इंपोर्ट्स के बर्डन को कम करने के लिए देश के अंदर किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप और प्रोड्यूस करने की क्षमता को ही इंडिजिनाइजेशन कहा जाता है। इसमें एक इकोसिस्टम का निर्माण करना शामिल है जो इंडिजिनस तरीके से इक्विपमेंट के डिफरेंट टाइप्स डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सके। 1962 के इंडो सिनो वॉर के बाद भारत को अपनी अंडर प्रिपेयर्डनेस का एहसास हुआ, जिसके कारण GDP में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भी स्थापित किया गया। आने वाले सालों में इंडिया और सोवियत के बीच आर्म्स डील को लेकर रिलेशंस काफ़ी गहरे होने लगे, जिसके तहत रशिया लार्ज नंबर्स में भारत को वेपन्स और आर्म्स एक्सपोर्ट करता था। लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट के लिए सोवियत यूनियन पे ओवर डिपेंडेंस के कारण इंडिया ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की अप्रोच को लाइसेंस बेस्ड प्रोडक्शन से इंडिजिनस डिजाइन बेस्ड प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। उसके बाद मिड 1980s में गवर्नमेंट DRDO को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करने लगती है, ताकि वो हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट शुरू कर सके। 1990 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सेल्फ रिलायंस रिव्यू कमेटी
यानी SRRV ने 10 ईयर सेल्फ रिलायंस प्लान फॉर्मुलेट किया, जिसमें टोटल प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर में इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज शेयर 30% से 2005 तक 70% तक इंक्रीज करने का प्रपोजल रखा गया। अनफॉर्चुनेटली ये टारगेट आज तक अचीव नहीं हो पाया है। इसके अलावा 1983 से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस पे भी काम शुरू हो गया था, जिसने अपनी पहली उड़ान 2001 में ली थी, और 33 ईयर्स बाद 2016 में इसका IEF में फॉर्मल इंडक्शन हुआ था। 1986 में DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने LCA तेजस को पावर करने के लिए कावेरी आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, लेकिन मिड 2004 में ओवरवेट और इनएफिशिएंसी के कारण रशिया में हाई अल्टीट्यूड ट्रायल्स के दौरान कावेरी इंजन फेल हो गया और LCA को इंडिजिनस जेट इंजन से पावर करने का सपना टूट गया। इन सेटबैक्स के बावजूद GTRE को 2004 में एक बार फिर कावेरी इंजन को रिवाइव करने के लिए एडिशनल 28.39 बिलियन रुपीज़ दिए गए थे, लेकिन 34 ईयर्स के बाद भी कावेरी प्रोग्राम इनकम्प्लीट ही है। खैर, कावेरी की असफलता के बाद भारत को USA की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE से F404 इंजन इंपोर्ट करना पड़ा, जो आज भी LCA तेजस को पावर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि GE F404 इंजन भी तेजस को पावर करने के लिए इनसफिशियंट है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट का पेलोड और रेंज दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह तेजस मार्क सेकंड के लिए प्लान किया गया GE F414 इंजन भी 15 टू 18 टन रेंज के मीडियम वेट फाइटर क्लास में IEF के सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए समान रूप से असमर्थ है। यहाँ तक कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे अपकमिंग इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स भी GE F414 इंजन से पावर किए जाने की उम्मीद है, जो साइज और पेलोड के साथ साथ फाइटर जेट्स के रेंज को भी कम कर देगा। इसलिए ये सवाल हमारे मन में आना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों इंडिया अंडर पावर्ड इंजन्स के साथ अपने एक्सपेंसिव और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फाइटर जेट प्रोग्राम से समझौता करने के लिए मजबूर है। आइए अगले सेक्शन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों भारत एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करता है और खुद की टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहला रीजन है कि सरकार द्वारा फाइनेंशियल बर्डन उठाने के बावजूद भी न्यू एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के डिजाइन और मेंटेनेंस में शामिल कॉस्ट बहुत हाई होते हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसे मैन्युफैक्चर करने में करोड़ों अरबों रुपयों का खर्च आता है, जो भारत सरकार फिलहाल इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बल्कि इस साल सरकार ने डिफेंस बजट एलोकेशन पिछले साल के 4.78 लाख करोड़ रुपीस के मुकाबले 4.25 लाख करोड़ रुपीस कर दिया है, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से वेपन्स और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स प्रोक्योर करने के लिए मेजर पुश दिया गया है। ओवरऑल डिफेंस बजट में 1,19,696 करोड़ रुपीस डिफेंस पेंशन्स के लिए भी अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा 2,33,000 करोड़ रुपीस पेमेंट ऑफ सैलरीज और एस्टैब्लिशमेंट्स के मेंटेनेंस के लिए अलॉटेड हैं। हम देख सकते हैं कि पेंशन्स, सैलरीज और मेंटेनेंस में ही आधे से ज़्यादा पैसे स्पेंड हो जाते हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और R&D के लिए केवल लगभग 1,72,000 करोड़ रुपीज़ बचते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ही बड़ा पब्लिक सेक्टर प्लेयर मौजूद है, और वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक प्राइवेट कंपनी के रूप में शुरुआत करते हुए HAL को इंडिपेंडेंस के समय पे नेशनलाइज कर दिया गया था। HAL के साथ DRDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों के साथ साथ कई गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस भी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित काम में शामिल है, जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज NAL और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA। लेकिन परेशानी ये है कि सरकार द्वारा ओन और रन किए जाने के कारण इन ऑर्गेनाइजेशंस को ब्यूरोक्रेसी से जुड़े सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते रहते हैं। इतना ही नहीं, R&D की क्लियरेंसेस और फंड्स के अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट पर निर्भर रहने के कारण भी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो ओवरऑल रिसर्च को अफेक्ट करता है। फंड्स न मिलने के कारण भारत में एयरक्राफ्ट में शामिल टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग फैसिलिटीज की भी कमी पाई जाती है। इनफैक्ट टेस्ट कैरी आउट करने के लिए भारत को रशिया में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स और जर्मनी में स्थित NACOM जाना पड़ता है। उसे इंडियन इंडस्ट्री और रिसर्च एजेंसीज द्वारा
एक इंडिजिनस जेट इंजन को डिजाइन और प्रोड्यूस ना कर पाना भी भारत की चुनौतियों में से एक चुनौती रही है। जेट इंजन दरअसल एक कॉम्पैक्ट गैस टरबाइन होता है जो एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए नीडेड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जेट इंजन कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जिनमें कम से कम 30,000 मूविंग और स्टैटिक पार्ट्स होते हैं जिन्हें बनाने के लिए हाई एंड मेटलर्जी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। साथ ही इन पार्ट्स के फॉर्जिंग, कास्टिंग और मशीनिंग के लिए हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन और स्किल चाहिए होता है। इसके अलावा जेट इंजन्स और उनके पार्ट्स के फेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डिग्रेडेशन को समझने के लिए ये इंजन्स एक्सटेंसिव टेस्टिंग से गुजरते हैं जिसके लिए हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इंडिया में फिलहाल ऐसे इकोसिस्टम की कमी है जो इन सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके और इसलिए भारत अभी उन देशों से काफ़ी पीछे है जो जेट इंजन मैन्युफैक्चरर्स कर चुके हैं। इनफैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की जानकारी की तुलना में जेट इंजन टेक्नोलॉजी को नेशंस एंड उनके कॉरपोरेशंस द्वारा ज़्यादा क्लोजली गार्ड किया जाता है। इतना ही नहीं, इन इंजीनियरिंग मार्वल्स को बनाने के लिए दुनिया में केवल कुछ ही कंपनीज मौजूद हैं जिन्हें इस फील्ड में दशकों का अनुभव है। दोस्तों, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की कमी का अगला कारण यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डिज़ाइन और डेवलपमेंट को प्रोडक्शन से अलग रखा जो सोवियत मॉडल से इंस्पायर्ड था। इस कारण हमारे पास एक तरफ R&D लैब्स का एक ह्यूज नेटवर्क है और वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन यूनिट्स और फैक्ट्रीज का एक सेपरेट नेटवर्क है। सेपरेशन के कारण न्यू टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का कमर्शलाइजेशन काफ़ी डैमेजिंग हो जाता है क्योंकि डिज़ाइनर्स मैन्युफैक्चरेबिलिटी के बारे में ना सोचते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर देते हैं जिन्हें लार्ज वॉल्यूम्स या रीजनेबल कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं प्रोडक्ट्स की सही जानकारी ना होने के कारण और मैन्युफैक्चरिंग को इजी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स या प्रोसेस में ऐसे चेंजेस कर देते हैं जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन से काफ़ी अलग होते हैं। इस कारण एयरक्राफ्ट के बेस्ट परफॉर्मेंस के मुताबिक प्रोडक्ट्स तैयार नहीं हो पाते। एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में अगली चुनौती आती है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस की। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारी वायुसेना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हर एक पैरामीटर के ऐसे प्रिसाइज और परफेक्ट स्पेसिफिकेशंस डिमांड करती है जो या तो मैन्युफैक्चरर्स के पास अनअवेलेबल होते हैं या फिर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इस कारण एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में डिलेज होते रहते हैं। भारत में टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए कॉम्पिटेंस और स्किल की कमी भी पाई जाती है। अक्सर भारत में ऐसी कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जिनके पास रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस हो, और अगर ऐसे स्किल्स मौजूद भी होते हैं तो उनका स्कोप काफ़ी शैलो और लिमिटेड होता है। वहीं दूसरी ओर एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल स्किल्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं होते। इन कारणों से ये सवाल उठता है कि इंडिया ने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। अगले सेक्शन में हम भारत द्वारा इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट किए गए मेजर्स पे नज़र डालेंगे। सरकार द्वारा कई स्टेप्स पॉजिटिवली लिए गए हैं जिन्हें और प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे DRDO ने हाल ही में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए 25 इंडस्ट्रीज़ के साथ 30 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT एग्रीमेंट साइन किए थे। इन टेक्नोलॉजीज़ में क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर, काउंटर ड्रोन सिस्टम, लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, मिसाइल वॉरहेड इत्यादि शामिल हैं। इतना ही नहीं, DRDO अब तक 1430 TOT एग्रीमेंट से भी ज़्यादा एग्रीमेंट्स इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ साइन कर चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट कंपनीज को भी प्रमोट किया जा रहा है। पिछले साल टाटा और एयरबस ने 56 C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे जो इंडियन एयरफोर्स के एवरो 748 प्लेन्स को रिप्लेस करेगा। एयरबस C295 एक वर्सेटाइल न्यू जनरेशन टैक्टिकल एयरलिफ्ट और इंटेलिजेंस सर्वे एंड रिकॉग्निशंस यानी कि ISR एयरक्राफ्ट है। बोइंग और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कोलैबोरेट करने के लिए भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAV भी डेवलप किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार को अभी कई कदम उठाने होंगे। आइए हम अगले सेक्शन में देखते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी को एनहांस करने और इंडिजिनाइजेशन कल्चर को बढ़ाने के लिए कौन से स्टेप्स ले सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार सबसे पहला स्टेप है कि इंडिया को इनोवेशन की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। दूसरे कई सेक्टर्स की तरह एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, स्पेशली जेट इंजन के डिजाइन्स और प्रोडक्शन हमें प्राइवेट इंडियन और फॉरेन कंपनीज को 100% FDI के साथ देने होंगे। इससे इनोवेशन के साथ साथ स्मॉल बिजनेसेस को शाइन करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के एक्टिव कोलैबोरेशन से इनोवेशन में लगने वाली हैवी इन्वेस्टमेंट्स का भी ख्याल रखा जा सकता है। बल्कि कुछ महीने पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट
श्री वेंकैया नायडू ने एरोस्पेस हब डेवलप करने के लिए अकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच एक सिनर्जी यानी तालमेल बनाने के भी सुझाव दिए थे। अगर इस सजेशन पे काम किया जाए तो इनोवेशन को तो प्रमोट करेगा ही, साथ ही स्किल्स की शॉर्टेज के इशू को भी एड्रेस करने में मदद करेगा। जेट इंजन बनाने वाली कंट्रीज के साथ ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से भी हम इंडिजिनस जेट इंजन को बिल्ड कर सकते हैं। इसमें जापान एक हेल्पफुल पार्टनर बन सकता है, क्योंकि जापान फिलहाल कॉम्पैक्ट मिलिट्री जेट इंजन डेवलप करने के एडवांस स्टेजेस में है, जो ऑलरेडी टेस्टेड है। इसके प्रोडक्शन वेरिएंट्स 180 किलो न्यूटन तक आउटपुट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि इंडिया जापान के न्यू और इनोवेटिव डिजाइन वाले IHI XF9 इंजन के कॉम्पोनेंट्स के रिसर्च और प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए जापान से पार्टनरशिप कर सकता है। इससे दोनों देशों के कॉस्ट भी रिड्यूस होंगे और भारत को एडवांस्ड इंजन की टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिल जाएगा। ये भी देखा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स की करंट नीड्स पे ही अक्सर फोकस किया जाता है, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी में हो रहे रैपिड चेंजेस और डेवलपमेंट्स के कारण इंडिया को अगले 30-40 ईयर्स में आने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी अपना फोकस बनाना होगा। इंडियन एयरफोर्स को अपने एयरक्राफ्ट के लिए एक टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट तैयार करना पड़ेगा, जिससे वो रेस में हमेशा आगे रहे। इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को रिवाइव करना एक तरह से नीड ऑफ द आवर बन चुका है। इंडिजिनस डेवलपमेंट न केवल हमारे इम्पॉर्टेंट फॉरेक्स रिजर्व्स को सेव करेगा, बल्कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में होने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भारत अभी पीछे रहा है और कौन कौन से स्टेप्स करंटली लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से स्टेप्स अभी और लिए जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड GS3 के डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्शन में इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिससे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड योर क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द स्टेप्स इंडिया नीड्स टू टेक टू मेक इट्स इंडियन एयरफोर्स अनबीटेबल। एंड विद दैट क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।